हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट बॉटनी क्वेश्चंस विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस एग्जाम। जी हाँ, चाहे वो आपका आने वाला CHSL का एग्जाम हो, चाहे वो FCI का एग्जाम हो, या फिर आपका CGL का एग्जाम हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी अच्छे से तैयारी कर पाऊँ बायोलॉजी के क्वेश्चन के रिगार्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, द सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इस, इसका आंसर है पायरोविक एसिड। फोटो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेसिस। कार्बन साइकिल, ग्लाइकोलेट या फिर ग्लाइकोलिक एसिड इज द चीफ मेटाबोलिक मेटाबोलाइट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन एंड ऑल्सो इट्स सबस्ट्रेट। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। फिर इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम कॉजेज क्राउन गॉल डिजीजेस इन प्लांट्स। इसका आंसर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। जी हाँ, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस इज अ ग्राम बैक्टीरिया दैट कॉजेज क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट्स। इट एंटर थ्रू वाउंड्स इन रूट एंड स्टेम एंड स्टिमुलेट द प्लांट टिश्यू टू ग्रो इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड वे। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका 89 है, द एलिमेंट्स नोन एज प्राइमरी न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। इसका आंसर आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम है। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आर दोस न्यूट्रिएंट्स विच आर मोस्ट इसेंशियल फॉर ग्रोथ सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। दे मेक अप द NPK रेशियो कॉम्पोजिशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या है NPK? नाइट्रोजन, पोटेशियम और उसके बाद फॉस्फोरस, ये होते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच लाइट इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। ग्रीन लाइट इज लीस्ट इफेक्टिव। इसका आंसर क्यों होगा, ग्रीन लाइट इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस बिकॉज प्लांट्स हैव क्लोरोफिल पिगमेंट विच रिफ्लेक्ट द ग्रीन प्लांट लाइट इन फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट एज ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर आपका क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है, सेंट्रोसोम नहीं है, नेमाटोब्लास्ट नहीं है और टोनोप्लास्ट भी नहीं है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट सिंथेसाइज फूड इन प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट सो दैट दे प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज अ मल्टी ब्रांच पॉलीसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज दैट सर्व्स एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन एनिमल्स एंड फंगाई। इसका आंसर आपका ग्लाइकोजन है। इसका एक्सप्लेनेशन है, ग्लाइकोजन इज अ मल्टी ब्रांच पॉलीसेक्राइड यूनिट ऑफ ग्लूकोज दैट सर्व्स एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन एनिमल एंड फंगी। ग्लाइकोजन इज अ एनालॉग ऑफ स्टार्च, अ ग्लूकोज पॉलीमर दैट फंक्शन एज एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोसफियर इज ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन लिबरेटेड इन एटमोसफियर थ्रू प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इट इज द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोसफियर। अब नेक्स्ट है इसमें, इंसेक्टिवोरस प्लांट ट्रैप इंसेक्ट्स फॉर। मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट से क्या ट्रैप करते हैं, वो करते हैं नाइट्रोजन। जी हाँ, जितने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं इंसेक्ट से नाइट्रोजन। इंसेक्टिवोरस अट्रैक्ट मोस्टली इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। सो टेक, मतलब क्या है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो ऐसी जगह उगते हैं या फिर ऐसी सॉइल में उगते हैं जिस जहां नाइट्रोजन नहीं होता, जिस वजह से उनको क्या है कंज्यूम करना पड़ता है इंसेक्ट्स को फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है आपका, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ नाइट्रेट्स इंटू एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इज नोन एज डी नाइट्रिफिकेशन। मतलब क्या है, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ नाइट्रेट्स को एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, वो कहते हैं डी नाइट्रिफिकेशन। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैम्पिंग ऑफ सीड्स इज कॉज बाय फाइटोथ्रिया इन्फेस्टेंस। मतलब क्या है, डैम्पिंग ऑफ इज अ डिजीज कॉज बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट पैथोजेंस दैट किल्स और वीकन सीड बिफोर जर्मिनेशन। सम ऑफ स्पीशीज ऑफ राइजोक्टोनिया फ्यूसेरियम एंड फाइटो अफेक्ट द सीडलिंग। मतलब क्या है, डैम्पिंग ऑफ सीड किसकी वजह से होते हैं, वो होती है इसकी वजह से। और ये गाइज आपका CHSL 2015 में भी आ चुका है, तो ये वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की। तो ट्रांसपरेशन इंक्रीजेज इन हॉट ड्राई एंड विंडी कंडीशन। ट्रांसपरेशन क्या है, अगर लीव से आपका जो वाटर होता है प्लांट का वो लूज हो जाए उसको कहते हैं ट्रांसपरेशन। ट्रांसपरेशन इंक्रीजेज इन हॉट ड्राई एंड विंडी कंडीशन। ट्रांसपरेशन मोस्टली अकर इन ह्यूमिड कंडीशन। अब नेक्स्ट आपका है, इफ जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज इन द सेम रेडियस सच एज सच अ वैस्कुलर बैंड बंडल इज कॉल्ड कोलेटरल। कोलेटरल, वैस्कुलर बंडल आर कॉम्पोनेंट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। दे आर पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन
प्लांट दे कंसिस्ट ऑफ टू मेन प्लांट सच एज जाइलम एंड फ्लोएम. द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन डिफरेंट वे इज रेडियल एंड कंजॉइन. कोलेटरल इज द कंजॉइन टाइप वेस्कुलर बंडल दैट अरेंज रेडियल फॉर्म. नेक्स्ट आपका क्या है, कमर्शियली वैल्यूड कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. इसका आंसर है कॉर्क इज अ फेलम लेयर ऑफ बार्क टिश्यू दैट हार्वेस्ट फॉर और कमर्शियल यूज प्राइमरी. इसका क्या है, क्यूरस सिप है. ये आपका 2015 में आ चुका है. अब इसके बाद नेक्स्ट है इंटेंसिव कल्टिवेशन रेफर्स टू. ये सबसे इंपॉर्टेंट, जी हाँ, ये कई बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में SSC के FCI के पूछा जा चुका है. तो ये याद रखिएगा इंटेंसिव कल्टिवेशन क्या होती है. वो होती है रेजिंग प्रोडक्शन बाय इंटेंसिव यूज ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड. उसको कहते हैं इंटेंसिव कल्टिवेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज करेक्ट. शुगर इज ट्रांसपोर्टेड इन फ्लोएम एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ये इनमें से ये वाला आंसर जो है आपका डी सही है. फ्लोएम इज अ पैरेन्काइमेटस ट्रांसपोर्ट टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट द फूड और कार्बोहाइड्रेट. अब ऐसे याद करिए, प्लांट में ना दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, फ्लोएम और जाइलम. अब फ्लोएम क्या होता है, आपका फूड. हाँ, ऐसे याद रखिएगा, फ्लोएम फूड हो गया और जाइलम आपका जो है वाटर ट्रांसपोर्ट करता है. जी हाँ, जाइलम वाटर करता है, फ्लोएम फूड करता है. नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हॉर्मोन्स आर इनकरेक्टली पेयर्ड. इसका आपका क्या है, जिब्रेलिन. जिब्रेलिन इज अ प्लांट हार्मोन दैट रेगुलेट ग्रोथ एंड इन्फ्लुएंस वेरियस डेवलपमेंट प्रोसेस सच एज सी डॉर्मेंसी फ्लावर एक्सप्रेशन एंड बट डू नॉट अफेक्ट ऑन बर्डिंग. जी हाँ, जिब्रेलिन्स क्या है, जिब्रेलिन्स एक प्लांट हार्मोन होता है जिसकी वजह से बर्डिंग नहीं होती और बाकी ये सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस होते हैं जैसे कि सीड डॉर्मेंसी, फ्लावर फ्लावरिंग, सेक्स एक्सप्रेशन, ये सब होता है जिब्रेलिन की वजह से. और वहीं अब ये सब भी ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस होती है, साइटोकाइनिन से सेनेसेंस होता है, एबिस्किस एसिड ट्रांसपिरेशन होता है. अब हम आगे बढ़ते हैं और जो समझते हैं, इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन हाई प्रेजेंस ऑफ O2 इन C3 प्लांट इज कॉल्ड वार्कबर्ग इफेक्ट. जी हाँ, वार्कबर्ग इफेक्ट करते कहते हैं इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन C3 प्लांट्स. नेक्स्ट आपका गाइज, ये चीज़ें रटने वाली हैं तो ये आप रट लीजिएगा. आप ये मत, इसको कंसेप्ट मत समझिए, क्योंकि SSC में कई बार क्या होता है, प्रीवियस ईयर ना रिपीट होते हैं. तो आप जितना ज़्यादा इसको रिवाइज करेंगे, बार बार रटेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ये कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में स्टोर हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका, प्लांट्स विच कैन सर्वाइव इन वेरी वेल लेस वाटर आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स. ये कैक्टस हो गया आपका, और आपका ये जो जितने कांटे वाले प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट एरिया में होते हैं उनको ज़ीरोफाइट्स कहते हैं. अब गार्ड सेल्स सराउंड स्टोमेटा. जी हाँ, स्टोमेटा जैसे गार्ड सेल ऐसा होता है आपका, ये आपका जो स्टोमेटा होता है इसके चारों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं. तो याद रखिए, गार्ड सेल स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट आपका, इन अ मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ फंक्शनल एंड डीजेनरेटिव मेगास्पोर. 1:3 होता है आपका इसका आंसर. नेक्स्ट आपका, ऑपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द रिप्रेजेंटिंग द इज द डैश रिप्रेजेंटिंग बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल. इसका चेल्जा है, चेल्जा है आपका आंसर. ओव्यूल और फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल. अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ऑफ ओव्यूल माइक्रोपाइलर एंड कनेक्ट्स द पोलैरिटी विद फनिकल एंड चेल्जा इज ऑन द अपोजिट साइड. नेक्स्ट आपका, ऑक्सिलरी बड डेवलप्स इन टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट. ब्रांच है इसका आंसर. मेन स्टेम ऑफ द प्लांट हैज द नोड्स, इंटर नोड्स एंड ऑक्सिलरी बड ऑन लेटर और लेटर. ऑक्सिलरी बर्ड्स आर एम्ब्रॉयनिक शूट लोकेटेड इन एक्सिल ऑफ लाइफ. ऑक्सिलरी बर्ड रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ ब्रांच. नेक्स्ट आपका, जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. थोड़ी देर मैंने पहले ही बताया था आपको कि फ्लोएम फर्स्ट है, फ्लोएम फर्स्ट है फूड हो गया, तो फ्लोएम फूड करता है, तो जाइलम क्या करता है आपका, वो करता है वाटर. अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट समझते हैं क्या है ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव्स अस सैफ्रॉन. सैफ्रॉन किससे बनता है, केसर जिसको कहते हैं, वो होता है स्टिग्मा. स्टिग्मा इज द अपर पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. सैफ्रॉन इज अ स्पाइस एंड इट इज ऑल्सो यूज एज अ कलरिंग एजेंट इन फूड. अब नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स ऑफ द प्लांट टू इट्स. इसका आंसर है जाइलम, थोड़ी देर पहले ही अभी मैंने बताया. नेक्स्ट आपका, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ डैश सनलाइट. फोटोसिंथेसिस जो है, यह है फॉर्मूला जिसकी वजह से आपका फोटोसिंथेसिस होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट. इसका है बार्क. बार्क से आपका सिनेमन ट्री से
सिनेमन ऑब्टेंड होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझ लें हम। सिनेमन इज ऑब्टेंड फ्रॉम बार्क ऑफ द प्लांट सिनेमोनम। सिनेमन कंटेन्स द एरोमेटिक एसेंशियल ऑयल एंड इज यूज एज अ स्पाइस। व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूमेटोफोर्स? नेक्स्ट इसका आंसर है गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। न्यूमेटोफोर्स इज अ आर द एरियल रूट्स दैट ग्रो आउट ऑफ द वाटर सर्फेस एंड फैसिलिटेट द एरिएशन नेसेसरी फॉर रूट रेस्पिरेशन इन हाइड्रोफाइटिक ट्रीज सच एज हेलोफाइट्स। अब याद रखिए, जो पानी में उगते हैं ना प्लांट उसको कहते हैं हेलोफाइट्स, और जो अगर सूखे एरिया में करते हैं उनको जीरोफाइट्स कहते हैं। तो उनके जो जड़ें होती हैं बाहर बाहर निकलती हैं उनको कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। नेक्स्ट आपका है द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम आर द फर्स्ट जाइलम टू बी डेवलप। प्रोटोजाइलम इज लेस प्रोमिनेंट एंड डेवलप बिफोर द प्लांट ऑर्गन हैज कंप्लीटेड इट्स ग्रोथ। नेक्स्ट आपका द फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर मेटाजाइलम। मतलब क्या है, जो प्राइमरी जाइलम के बाद क्या बनता है वो होता है मेटाजाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगर हम बात करें वो है आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया। अब इसमें आ जाइए, यहाँ पे है इन स्टेम्स द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ द ऑर्गन। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्क। मतलब क्या है, प्राइमरी जाइलम आपका अंदर हो और पेरीफेरी पे हो आपका प्रोटो मेटाजाइलम, उसको क्या कह रहे हैं, एंडार्क कहते हैं इस तरह के अरेंजमेंट को। नेक्स्ट आपका है डैश आर द मेड ऑफ स्क्लेरो स्क्लेरेनोमाइटस सेल्स। दीज आर जनरली एबसेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। इसका आंसर है बास्ट फाइबर इज द फीचर ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्क्लेरोकाइमेटस सेल्स फ्लोएम। इसका आप यही सिर्फ खाली क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि ये उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा जो बॉटनी के बैकग्राउंड से नहीं है। तो इसलिए आप ऐसा करिए, सिर्फ क्वेश्चन इसका आंसर रट लीजिए, क्योंकि ये सीजीएल 2017 में आ सकता आया है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट तो रखता ही है। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो इन रूट्स द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर। सच अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एक्सार्क। देखिए, अगर प्राइमरी जाइलम जब आपका पेरीफेरी पे हो, जी हाँ, प्राइमरी जाइलम प्रोटोजाइलम सॉरी प्राइमरी जाइलम या फिर प्रोटोजाइलम अगर आपका पेरीफेरी पे होगा तो एक्सार्क होगा। वहीं अगर आपका प्रोटोजाइलम जो है अंदर की तरफ होगा तो वो एंडार्क होगा। थोड़ी देर पहले ही हमने ये डिस्कस किया है। द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज स्टेमन। स्टेमन को ही मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं फ्लावर में। नेक्स्ट आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। जी हाँ, पिस्टिल, ऐसे याद रखिए, प से पिस्टिल मतलब स्त्री की त्र और स्टिल, ये दोनों थोड़े वैसे सेम से हैं इसलिए पिस्टिल हो जाएगा आपका। तो और मेल सेक्स को कैसे याद करना है, सीमन होता है मेल में, फिर वैसे ही स्टेमन होता है मेल में। तो गाइज ये था आज का वीडियो जिसमें हमने इंपॉर्टेंट बॉटनी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लाऊंगा जिसके मैं आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट बॉटनी के क्वेश्चंस करवाऊंगा, और ऐसे ही चाहे वो जोलॉजी के हों आपके लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन स्पेसिफिकली करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के, जो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में हेल्प करेंगे। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए कंटेंट लाने में मेहनत लगती है और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से ऐसे ही आपकी तैयारी में हेल्प करने में मैं आपके आने वाले टाइम में ऐसे ही मदद करूंगा। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।